देवता कौन है? हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न रखा जिज्ञासुओं ने, आप श्रोताओं में से ही कि देवता कौन है। पिछली चर्चा में हमने निराकार परमात्मा के बारे में हमने श्रवण किया। मूर्ति पूजा का विषय भी हमने सुना कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। तो मूर्ति पूजा भावनाओं को अर्पित किया जाता है, हमारे अंदर भाव उत्पन्न करता है। सकारात्मक भाव जब हम किसी देवी स्वरूप को देखते हैं, किसी शक्ति रूपा देवी का दर्शन करते हैं, उनकी मूर्ति का हम देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर शक्ति का भाव। जब हम सरस्वती जी की मूर्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर विद्या का भाव। जब हम लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर धन का भाव, अन्नपूर्णा का भाव। तो इस प्रकार से भाव जगत है, सारी सृष्टि भाव जगत है। और इस भव सागर के अंदर हम हैं, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर जो कि आदि निरंजन निरंकार है, वो भावनाओं से परे है। पिछले तीन व्याख्यानों से ये बात रिपीट की जा रही है कि ईश्वर जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, निराकार कहते हैं, वो भावातीत है। लेकिन जब हम उसकी पूजा की बात करते हैं, जैसे कुछ लोग बड़ा तर्कपूर्ण ढंग से कहते हैं कि भाई मूर्तियों की पूजा नहीं कर, तस्य प्रतिमा नास्ति। बात सत्य है, तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं होती है, लेकिन उसकी पूजा भी नहीं होती है। ये भी ध्यान रखें कि उसकी पूजा भी नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? पूजा देवों की होती है। देव कौन है? देवता कौन है? देवताओं की होती है। और देवताओं की ही पूजा क्यों होती है? भाई भगवान जो आदि निरंजन निरंकार है, उसकी पूजा, क्योंकि उसकी पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूजा एक भाव है। वास्तव में पूजा, ये पू का अर्थ ही होता है नरक, और जो नरक से मुक्ति का मार्ग है वो पूजा है। इसलिए पहले जब हम कहते हैं कि भाई पूजा क्या है, तो पूजा हमें समझना है कि क्या है। पूजा जो नरक से मुक्ति का मार्ग ही पूजा है। इसलिए पुत्र मतलब नरक से तारने वाला, पुत्री माने नरक से तारने वाली, इस तरह से इसको परिभाषित किया जाता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है, ये भाव जगत है, ये भावनाओं का जगत है। पूरी जो पृथ्वी का, जो सृष्टि का निर्माण है, वो जड़ और चेतन, पुरुष और प्रकृति से है। ये प्रकृति भावपूर्ण है, प्रत्येक वस्तु भावपूर्ण है, वायु है, जल है, एक पत्थर ही क्यों ना हो, वो भी भावपूर्ण है, वो भी अपने अंदर भाव लिए हुए, जड़ता का भाव, वो विचारों से परे नहीं है, विचारातीत नहीं है। ब्रह्म विचारातीत है, निर्विकल्प है, निर्विचार है, भावातीत है, इसलिए उसे भावातीत कहा जाता है। लेकिन देवता कौन है? देवता किसे कहते हैं? कौन देवता है? किसकी पूजा देवों के रूप में होती है? सनातन धर्म में वैदिक पूजा पाठ, वैदिक मंत्रों में किसका गुणगान है? किन देवी देवताओं का गुणगान है और क्यों है? कुछ विद्वान मिलते हैं, वो बड़े शान से कहते हैं कि भाई वेद तो एक ब्रह्म, अभी पीछे किसी श्रोता ने ही हम उससे कहा कि वेद तो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वो एक है। बिल्कुल सत्य बात है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि वेदों में पूजा पाठ नहीं है या वेदों में देवी देवताओं की चर्चा नहीं। अगर देवी देवताओं की चर्चा है तो ये ना कहें कि भाई कि यहां पर ब्रह्म को जो है ईश्वर को बताया जा रहा है कि ईश्वर कई है। ईश्वर कई नहीं है, हाँ देव कई है, देवता कई है, जिनकी हम पूजा करते हैं वो देव कई है, जिनको हम भेंट अर्पित करते हैं, जिनको हम पूजा के समय जो है अन्न जल वस्त्र से हम उनको अर्पित करते हैं, उनको प्रसन्न करने का, उनको उनका भाग देते हैं, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसलिए तो ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में आता है कि
मंत्र आता है संग छद्म सम्मद्दम संभू मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपास्ते। जिस प्रकार से देवता अपना अपना भाग ग्रहण करते हैं, वैसे मनुष्यों को भी चाहिए कि वो शांति से मिलजुल कर ईमानदारी से अपना अपना भाग ग्रहण करें। ये वहां पर शिक्षा देवताओं का अनुसरण करने की बात कही जा रही है, देवताओं का अनुसरण करें। तो देवता कौन है? देवता जीवन है, जीवन है देवता। देवता क्योंकि भावनाओं से हमारा जीवन चलता है, हमारा जो जीवन है उसका मुख्य कारण ये प्रकृति है, ये भाव जगत है, ना कि ब्रह्म है, ना कि ईश्वर है। इसलिए जब हम कहते हैं ना ब्रह्म, जब आप पढ़ते हैं दर्शन शास्त्र को, किताबों को, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि कई देवता हैं। इस बात को अगर अंग्रेजी में लिखना है तो कहा जाएगा मैनी गॉड्स, क्योंकि देव शब्द का वास्तविक ट्रांसलेशन दूसरी भाषाओं में आपको मिलेगा। ब्रह्म है, अब ब्रह्म की परिभाषा आप अंग्रेजी में कैसे दोगे? अगर ब्रह्म को गॉड कहोगे तो ब्रह्म गॉड भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां गॉड को समझाया जाता है बाइबल या अन्य अंग्रेजी भाषा या अन्य पाश्चात्य भाषाओं में, गॉड को जिस तरह से समझाया जाता है वो परिभाषा ब्रह्म की नहीं है, वो परिभाषा ईश्वर की नहीं है। लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम उसी ब्रह्म को, उसी ईश्वर को हम गॉड कह देते हैं। समस्या यहां पर आ जाती है। तो मैनी गॉड्स, जब हम मैनी गॉड्स कहते हैं तो लगता है कि सब गलत है, ठीक। लेकिन जब हम कहते हैं कि कई देवता है, कई देव है, तो ये बिल्कुल बात सही है। देव है कौन, देवता है कौन, किन्हें प्रकृति के अंदर, किन्हें वेदों के अंदर देवता कहा जा रहा है? कोई कहे कि नहीं वेद देवताओं की बात नहीं करते तो गलत है, आपने वेद पढ़े ही नहीं है, आपको आपने खुद भी नहीं पढ़े हैं और अपने आधे अधूरे ज्ञान पर दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं, सत्य तो यह हो जाएगा फिर। इसलिए वेद कर्मकांड वेद का अभिन्न अंग है, ज्योतिष वेद का ही अंग है, वेदांगों में से एक अंग ज्योतिष है। इसलिए देवताओं की पूजा वेदों के अनुसार, इस पर चर्चा करते हम कि वेदों के अनुसार तीन भाग में बांटा गया है संपूर्ण सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को तीन भाग में बांटा गया, कंप्लीट यूनिवर्स। तीन भाग कौन कौन से तीन भाग? आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। अब आकाश के अलग अलग देवता हैं, जैसे कि मित्र हैं, वरुण हैं, आपके मित्र है, वरुण है, द्यौ है, ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति, कहते हैं ना, ये तीन भाग में ब्रह्मांड को बांटा गया है। तो आकाश के मित्र वरुण, द्यौ, सवित्रु, पुषाण, अश्विन, उषा, आदित्याह एवं विष्णु, श्री विष्णु, ये आकाश के देवता बताए जाते हैं। अंतरिक्ष के देवता है, अंतरिक्ष के कौन कौन से देवता है? इंद्र, वायु, अपामनापात, मरुत, प्रजन्या और आपहा, ये जो देवताओं के नाम है ये अंतरिक्ष के देव हैं। फिर आते हैं पृथ्वी के देव, पृथ्वी के कौन कौन से देव हैं? अग्नि है, पृथ्वी है, सोम है, बृहस्पति है, ये पृथ्वी के देवता है। ये इस हिसाब से इनको बांटा गया है ब्रह्मांड के अंदर। अब भावनाओं के आधार पर एक विभाजन भावनाओं के आधार पर किया गया, इसमें कि देवताओं को तीन भाग में बांटा गया, प्रकृति, कर्म और भाव, नोशंस। प्रकृति के अग्नि है, वायु है, वरुण है, ये प्रकृति के देवता हुए। कर्म के त्वस्त्रु हैं, विश्वकर्मा है, सवित्रु हैं, और भाव के श्रद्धा है, मन्यु है, कामदेव है, शक्ति है, सरस्वती है। तो इस तरह से ये भावनाओं के देवता, मूलतः देवताओं का जो आधार है वो भाव है और ब्रह्म का जो आधार है वो भावातीत है। इस अंतर को समझना है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान एक है, किसी जिज्ञासु ने पूछा कि भगवान एक है या अनेक है, देवता अनेक है। अब भगवान एक है या अनेक है, ये बड़ा जटिल प्रश्न है। अगर आप उत्तर देंगे शब्दों में और शब्दों से पकड़ेंगे तो आप समझना कुछ और समझ कुछ और जाएंगे। इसलिए कहा गया अविज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला।
अविज्ञात्य परित्यक्त, जब तक अनुभूति नहीं है, जब तक आप अंतर्मुखी नहीं हुए, जब तक आपको तात्विक ज्ञान नहीं हुआ, तब तक शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है, आप समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए कहा गया, उपनिषदों में लिखा गया, एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं होता। अब ये नोटबुक है, ये एक है, तो क्या इस एक की तरह ब्रह्म एक है? नहीं, वो तो सर्वव्यापी है। ईशावाश्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्, वो तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो जो सर्वव्यापी है वो, अब उसे आप एक कैसे बोलोगे और उसे अनेक कैसे बोलोगे? क्योंकि जो सर्वव्यापी है वो संख्या के परे है। जब ब्रह्म को एक कहा जाता है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यत् करोति, वो एक रूप से अनेक रूप धारण करता है। लेकिन जब हम एक, जब यहां पर एक शब्द कहा जाता है ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए एक शब्द कहा जाता है, तो वो तत्व रूप से एक है, ना कि गिनती में एक है, ये ध्यान रखिएगा। वो तत्व रूप से एक है, और जब वो तत्व रूप से एक है तो देवताओं के अंदर भी है, मनुष्यों के अंदर भी है, जीवों के अंदर भी है, सबके अंदर है ना भाई, वो तो सर्वव्यापी है। अगर आप संख्या रूप में उसे एक समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आप संख्या रूप में उसे एक नहीं समझ सकते कि हाँ एक है, जैसे कि ये नोटबुक, ये एक है, ये नोटबुक एक है तो ये संख्या में एक है, लेकिन आप ब्रह्म को, ईश्वर को संख्या में एक नहीं कह सकते, तत्व रूप में आपसे, हाँ, क्योंकि वो एक तत्व है, यूनिवर्सल एलिमेंट है, वो ब्रह्म है, और उसकी पूजा नहीं होती। उस तक पहुंचने का मार्ग ध्यान समाधि है, उससे कोई प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि आप जितनी भावनाएं अर्पित करेंगे वो ब्रह्म को नहीं करते, उस एक को नहीं करते हैं। इसलिए समझने समझने में अगर कहा गया एकम ब्रह्मम कि ब्रह्म एक है दूसरा नहीं होता, एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति, तो वहां पर अगर आप एक को संख्या मान लेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्योंकि ये वस्तु एक है, ये पुस्तक एक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इस एक पुस्तक की तरह परमात्मा भी एक है। नो, सर्वव्यापी है भाई, लेकिन ये पुस्तक तो सर एक होने के बाद भी सर्वव्यापी नहीं है, वो एक होकर सर्वव्यापी है। तो वो तात्विक दृष्टिकोण से एक है, संख्या के दृष्टिकोण से वो एक नहीं है, वो अनंत है। इस अंतर को समझना। अब बात आती है देवता। देवता निश्चित रूप से अनेक है। क्यों अनेक है? क्योंकि भावनाएं अनेक है, भाव अनेक है। अभी आपको बताया कि भाव, शक्ति का भाव है तो दुर्गा जी सामने खड़ी है, विद्या का भाव है सरस्वती जी सामने खड़ी है, बुद्धि विवेक का भाव है तो गणेश जी सामने खड़े हैं, ठीक, भूख का भाव है, अन्न का भाव है, भोजन का भाव है तो देवी अन्नपूर्णा सामने खड़ी है, धन का भाव है तो कुबेर सामने खड़े हैं, लक्ष्मी जी सामने खड़ी है, ठीक, सृष्टि का भाव है, सृजन करने का भाव है तो ब्रह्मा जी सामने है, पालन करने का भाव है तो विष्णु जी सामने है, जब संहार करने का भाव है, क्योंकि प्रकृति नित्य सृजन और प्रलय करती है, नित्य सृजन और प्रलय, सृजन की क्रिया भी नित्य चलती है और प्रलय की क्रिया भी नित्य चलती है। तो जब प्रलय का भाव है तो महादेव शिव शंकर हमारे सामने है, महेश हमारे सामने है, क्रिया है, यह प्रकृति, प्रकृति के अंदर जल के भी देवता है, वायु के भी देवता है। अब ये सारी चीजें जीवनदायिनी है, इनसे हमारा जीवन चलता है, हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण जो हुआ है, चित जल पाव गगन समीरा पंच तत्व रचित अति अधम शरीर, पांच तत्वों से बना है, चित जल पाव गगन समीरा, तो ये पंच तत्व पंच देवता भी है, फिर इन तत्वों को भी देवता के रूप में स्वीकार किया। हमारे ऊपर ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ग्रहों का वो है, हमारे जीवन पर ग्रहों के प्रभाव है, तो उन ग्रहों को भी देवता के रूप में, सूर्य है, चंद्र है, बुध है, बृहस्पति है, राहु है, केतु है, शनि है, इन सबको, शुक्र है, इन सबको देव के रूप में स्वीकार किया जाता है, इनको भी देवता माना जाता है। तो इसलिए देवता ये भाव संपन्न सृष्टि है, जितनी भावनाएं हैं उतनी देवता है। कोई मुझसे कोई पूछे कि भाई कितने देवता है, गिन नहीं सकते। कोई कहता है 33 करोड़, किसी ने अंधेरे में तीर मार दिया 33 करोड़ की गिनती बता दी। आप जितने भाव, इसलिए भाव जो हमें जीवन दे रहे हैं वो देवता है, जिनसे हमारा पेट भर रहा है, जिसने हमारा जीवन, ये शरीर
को हम जीवन मानते हैं, तो इसके जो जो आ रहा मन में, सुख आ रहा है, सुख के भाव हैं, दुख के भाव हैं, कई तरह की भावनाएं आ रही हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये हमें जीवन दे रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की, क्योंकि ये जीवन देना दायिनी था वो वृंदावन के लोगों के लिए। इसलिए जो जीवन दे रहा है, गंगा नदी है, यमुना नदी, इनको हम सब देव के रूप में स्वीकार करते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा में भी इनको दान देने का तरीका है, इनके सम्मान का तरीका है कि बहते हुए पानी में कभी शौच ना करे व्यक्ति, बहते हुए पानी में गंदगी ना फेंके व्यक्ति, नदी का सम्मान करे, देव रूप में स्वीकार करे। पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये प्रकृति, ये हमारे देव है, माता पिता है हमारे देव हैं, हमारे शिक्षक हैं, गुरु है, वो भी देवता समान, ठीक, क्योंकि वो हमें जीवन दे रहे हैं, हमें जीवन जीना सिखा रहे हैं, हमारे जीवन को सुगम बना रहे हैं। तो जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को आर्ट ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है ये। जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को समझने के लिए और जीवन को सार्थक करने के लिए ये पूजा का विधान, और इसमें प्रकृति पूजा, ये सब प्रकृति के अंग हैं, इनकी पूजा होती है, इनको सम्मानित किया जाता है। हम अपनी भावनाओं से, सकारात्मक भावनाओं का प्रसार करें, संग छद्म संवदम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेशाम, समानो मंत्र, हमारी मंत्रणा समान हो, हमारी समिति समान हो, और इस समभाव से वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य लेकर हम इस धरती पर रहें, प्रत्येक वस्तु का सम्मान करें, वृक्षों का सम्मान करें, नदियों का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान करें, वायु का सम्मान करें, जल का सम्मान करें, पानी बर्बाद ना होने दें। ये शिक्षा है, ये बेसिक एजुकेशन है ये, इसलिए वेदांत का पहला अंग है शिक्षा, और उसमें मंत्रों के अंदर इसी बातों को समझाया जा रहा है। रुद्र का नाम है, सरस्वती का नाम है, वरुण का नाम है, इंद्र का नाम है, कई बार आया है वेदों के अंदर। तो ये कह देना कि वेद एक परमात्मा की बात करते हैं, वो एक परमात्मा की बात करते हुए भी अनेक देवताओं की बात करते हैं, ये अनेक देवता अलग है, वो एक ब्रह्म अलग है, इस यथार्थ को समझ लिया। अंधेरे में अभी किसी ने यूट्यूब के एक वीडियो पर कमेंट किया कि वेद तो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, एक है, तो वेद ये भी कहते हैं कि अनेक देवता हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो पूजा देवताओं की ही हो सकती है, ब्रह्म की हो भी नहीं सकती, ये भी स्पष्ट किया गया। उसका तो ध्यान होगा, उसकी तो समाधि होगी, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से आप ब्रह्म तक पहुंचेंगे, निराकार निर्विचार भावातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, विचारों को नियंत्रण करने करके। तो ये तथ्य समझने वाली बात है, इसको समझना है, इसको समझ लेना है, तो फिर ये सारे द्वंद्व खत्म हो जाएगा कि देवता कौन, भगवान कौन, देवताओं की पूजा, देवताओं की पूजा एक अलग विषय है, ब्रह्म की उपासना साधना ध्यान एक अलग विषय है, कर सकते हैं जो ये करता है। हाँ, जो उसमें लीन है, जो ब्रह्म में जिसका जीवन हो गया है, वो तो सुख दुख से परे है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, वो लाभ हानि से परे है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं कि वो देवताओं को प्रसन्न करे, क्योंकि वो भावनाओं से परे जा रहा है, भावातीत हो रहा है। लेकिन जो भाव जगत में है, तो इस भाव जगत में जीवन को सरल बनाने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग, सनातन धर्म, वैदिक फिलॉसफी, वैदिक मंत्र, उनके द्वारा जो प्रकृति का सम्मान किया जाता है वो करना चाहिए, वो अनिवार्य है। ये पूजा का विषय है, यहाँ पर पूजा कर्म कांड का विषय आ जाता है, तो इसको समझना जरूरी। इसलिए आज देवता का कि देव है कौन, आखिर किनको हम पूजा करते हैं, देव है कौन, इस ये बात जब समझ में आ जाएगी तो ये द्वंद्व खत्म हो जाएगा। आज समाज में बहुत द्वंद्व है, तथा अधकचरे कुछ ज्ञानी लोग मेरी नजर में, क्षमा करें अगर उनको बुरा लगे तो, लेकिन समझने का प्रयास, सीधा अपने मन से गुरु जी ने कह दिया कि नहीं परमात्मा एक है, ये देवी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, खत्म कर दो। अरे भाई, आप उनसे सकारात्मकता ले रहे हैं, आप उनसे जीवन ले रहे हैं, उन तत्वों से, उन भावों से जीवन ले रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनकी रक्षा करें, उनको सम्मानित करें, और नहीं किया जाएगा तो पृथ्वी या प्रकृति विनाश की ओर जाएगी, ये विनाश की ओर जाएगी, इसका विनाश होगा। इसलिए प्रकृति पूजा एक अभिन्न अंग है,
पूजा प्रकृति की ही होती है, उनके देवताओं के संपूर्ण ब्रह्मांड को देवताओं से संपूर्ण बताया गया है। देवताओं से देवता जीवनदायिनी है, इसलिए हमें इस मर्म को समझना है और इस मर्म को समझकर इस तर्क को समझना है और अपने जीवन को, हमारे जीवन को सरल, सुगम, अच्छा बनाने में देवता सहायक है, निश्चित रूप से सहायक है, सुखमय बनाने में। अगर सही विधि से, सही भावनाओं से, स्वच्छ भावनाओं से, ईमानदारी से देवताओं का पूजन किया जाए, यज्ञ विधि कर्मकांड किया जाए, तो उसका फल निश्चित ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त होता, लेकिन वो जीवन को सुखमय बनाने के लिए, परमानंद या ब्रह्म की प्राप्ति की बात यहां नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। जो उसमें लग गया तो ये भी शास्त्र कहते हैं कि इसकी आवश्यकता, फिर कर्मकांड पूजा की आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं है। इसलिए कहा गया, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो बही पूजा अधमा धमा। बाहरी पूजा पाठ अधम है लेकिन व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी इसीलिए कहते थे कि जब एक छोटा सा बच्चा मंदिर जाता है मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जब मंदिर जाता है तो मुझे प्रसन्नता नहीं, दुख होता है कि व्यक्ति सारा जीवन मंदिर में ही घूमता रहा लेकिन अपने अंदर के ब्रह्म को, परमात्मा को नहीं जान पाया। इसलिए भगवान शिव ने स्कंद महापुराण में मंत्र आता है, इदम तीर्थम इदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरान्य। कि हे पार्वती, बहुत सारे तीर्थों की यात्रा कर ले, पूजा पाठ कर ले, कर्म कांड ले, उसे मुक्ति नहीं होने वाली, उसे स्वर्ग मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि पूजा स्वर्ग नरक से मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का नहीं दिखाता, निर्वाण का नहीं दिखाता, समाधि का नहीं दिखाता। वो कैसे होगा? अंतर आत्मा में जो बैठा हुआ परमात्मा, उसको जानना होगा, उसको जानकर, उस ज्ञान से, तात्विक ज्ञान से अंतर्मुखी होकर। पूजा पाठ गलत नहीं है, देवताओं को मानना गलत नहीं है, उनका अस्तित्व है, उनकी अस्मिता है देवताओं की, ध्यान रखिएगा। उनका अपमान जीवन को कष्ट में डाल सकता है, जीवन को दुख में डाल सकता है, देवताओं का अपमान किसी प्रकार से उनका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ब्रह्म की प्राप्ति में अंतर्मुखी हो गया, ब्रह्मलीन होने की प्रक्रिया से जुड़ गया, तो उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म सद्भाव ही श्रेष्ठ है किसी भी स्थिति, जाप पूजा पाठ से। तो ये यथार्थ है पूजा पाठ का, देवताओं का। तो इसलिए किसी तथ्य को कहें, समझें, देवताओं को समझें, ब्रह्म को समझें, जब समझेंगे तो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, सारे संशय दूर हो जाएंगे, सब कुछ अपने आप सरल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा।